केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ? क्या केवल नवरात्र का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हो, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए। एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर, कार्य का स्मरण कर, 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर समर्पित करती हो, दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए, 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो। किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। पर ये नवरात्र, ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले श्रृंगी ऋषि ने नवरात्र का बड़ा वर्णन किया। नवरात्र के लिए कहते हैं कि नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं कुत्रे में हम देवी की आराधना करें, पत्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है, श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। पर ये नवरात्र आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले
जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया था। नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है, पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूर्व की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवन चैत्र नवरात्र में, शरदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आधिकाधिक पौष नवरात्र में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं या गणेश जी की स्थापना करते हैं या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों कर, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटी देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं। आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। उस कुंभ की उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल, तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता, अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ। पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्र से लेकर नवमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर पहला दिन से लेकर। पर 90 दिन तो सवेरे पूजन करके यज्ञ करके अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से पूर्णता। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है।